ओके, okay. ठीक है यहां तक समझ गए, अब देखिए आगे अब देखिए आगे अब हम बात करते हैं गिटोनोगी की किसकी बात करते हैं गिटोनोगी की गिटोनोगी की जब बात करेंगे तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलिनग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ एंथर स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के एक एंथर में से एक एंथर में से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोल ट्रांसफर हो रहा है तो उसको अपन बोल देंगे इट इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि फ्लावर जो है वो अलग अलग है. है सेम प्लांट पे लेकिन अलग अलग फ्लावर है जिसकी वजह से इसको जो है क्रॉस पॉलिनेशन की कैटेगरी में डाल जबकि हम लोग ऑटोगेमी को जो है सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं क्योंकि वो सेम फ्लावर में

जेनेटिकली दोनों जो है सिमिलर रहेंगे कोई बात नहीं ओके ठीक है देन उसके बाद जो है देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर दो दिन बाद शुरू हो जाएगा सनी दिन हो मी वैसे भी ये डिवीजन चल रहा है फास्ट फास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग यहां पे

Great. तो अलग अलग प्लांट अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर के बीच में जब का ट्रांसफर होता है तो उसको अपन बोलते हैं जेनोगेमी एंड इट इज ऑल्सो पॉलिनेशन इट इज ऑल्सो अ क्रॉस पॉलिनेशन ठीक है बात क्लियर अब आप देखिए एजेंट्स इन पॉलिनेशन तो एक तो अबायटिक एजेंट होते हैं एक तो बायोटिक एजेंट होते हैं बायोटिक एजेंट जो है विंड एंड वाटर और बायोटिक एजेंट जो है इंसेक्ट बर्ड बैट्स प्राइमेट्स, आर्बोरियल रोडोडेंट्स रेप्टाइल्स एक्सेट्रा ये जानवर कीड़े मकोड़े और ये जो है हवा और ये पानी ठीक है तो तीन टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं एक तो होता है विंड एक होता है वाटर और एक होता है आपका एनिमल क्योंकि ये बायोटिक एजेंट में करेक्ट ठीक है उसके बाद पहले देखो अबायोटिक एजेंट विंड के बारे में विंड के बारे में क्या बोला गया है पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एज एनिमोफिली तो पहले क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एनिमोफिली एनिमोफिली मतलब की एनिमोफिली मतलब की हम लोग लगभग पांच छह चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं रिप्रोडक्शन आपका ये क्या नाम है उसका जेनेटिक्स ओके और क्या बोला था मैंने रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स और एक कोई टॉपिक है ठीक है अब देखिए

पॉलिनेशन की बात आती है तो कुछ बातों की जरूरत होती है जैसे अगर विंड थ्रू पॉलिनेशन होना है इसका मतलब जो है एक फ्लावर एक फ्लावर एक फ्लावर का ग्रेन जो है वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है तो उड़ने के लिए ग्रेन हल्का होना कि नहीं होना तो लाइट वेट पॉलिंग्रेन होना दूसरी बात पोलिन ग्रेन जो है इधर उधर चिपकना नहीं चाहिए मतलब कि नॉन स्टिकी चाहिए कैसा चाहिए नॉन स्टिकी चाहिए अब हवा में उड़ रहे हैं हवा में उड़ रहे हैं और हवा में उड़ते उड़ते बहुत सारे जो है, वो वेस्ट है। लार्ज उसमें डेवलप होना चाहिए तो जो विंड वाले फ्लावर्स होते हैं या जो एनिमोफिलिक फ्लावर्स होते हैं जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है वो उनमें जो है ये तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ये पहला ही चैप्टर चल रहा है एग्जाम्पल कॉर्नकॉब एंड विंड पॉलिनेशन इट्स क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस जितने भी ग्रासेस हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे अब वेस्ट फॉर इफेक्टिव पॉलिनेशन तो फ्लावर प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलिन ये मैंने अभी आपको बताया पॉलिंग ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी ये भी बताया उड़ने के लिए हल्के होने चाहिए ऑफन पर्जेस वेल एक्सपोज स्टामिन जो स्टामिन है उसका वो वेल well एक्सपोज होना चाहिए तभी तो भाई हवा के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन कैसे होगा लार्जली फीदरी स्टिग्मा टू ट्रैप द एयर बॉर्न पॉलिंग जो स्टिग्मा होता है इस टाइप से ये ओरी ये स्टाइल और ये स्टिग्मा तो इसके ऊपर जो है छोटे छोटे बाल होते हैं फीदरी होता है ये जिससे क्या होता है कि उड़ता हुआ उड़ता हुआ जो ग्रेन है वो इन बालों में फस जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है पॉलिनेशन हो जाता है करेक्ट बात समझे क्यों होना चाहिए देन उसके बाद पॉलिनेशन बाय वॉटर दूसरा अबायोटिक एजेंट जिसको हम बोलते हैं वॉटर वॉटर से पॉलिनेशन जब होगा तो उस कंसेप्ट को उस प्रोसेस को हम बोल देंगे हाइड्रोफिली और जिस फ्लाव जिन फ्लावर से ये होगा जो ये फॉलो करते हैं उसको अपन बोल देंगे हाइड्रोफिलिक फ्लावर क्या बोल देंगे हाइड्रोफिलिक फ्लावर इट इज क्वाइट रेयर क्योंकि क्या होता है पानी में रहने वाले प्लांट्स भी जो है बहुत से प्लांट वो एयर पे डिपेंड करते हैं एनिमल पे डिपेंड करते हैं एयर पे तो नहीं एनिमल पे डिपेंड करते हैं पॉलीनेशन के बहुत कम ऐसे प्लांट्स है जो पानी पे डिपेंड करते हैं वाटर पे डिपेंड करते हैं पॉलिनेशन तो कम है It is limited about 30 genera, mostly monocotyledons. Okay. Vallisneria, Hydrilla, Zostera, these are the examples whose pollinating agent is water and they are hydrophilic. But in lower plants, water is a regular mode of transport of male gamete, distribution of some bryophytes, telidophytes is limited because they need. वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल तो सिंपल सी बात है सिंपल सी बात है कि जो छोटे छोटे प्लांट्स है उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देता फिश वगैरह एनिमल्स वगैरह भी ध्यान नहीं देते तो वो जो है टोटली डिपेंड करते हैं वाटर के ऊपर अपने पॉलिनेशन के लिए ठीक है कौन क्या बोल रहा है यार आप लोग लॉकडाउन जो है कहां-कहां लग गया है लॉकडाउन कहां-कहां लग गया है लॉकडाउन बताएंगे कहां लग गया है लॉकडाउन नेहा के घर में दिल्ली में लग गया रांची में लग गया झारखंड में लग गया और लॉकडाउन तो लग गया मतलब सब मार्केट वार्केट सब बंद हो गया पूरा हंड्रेड परसेंट ओके, ओके चलिए तो देखो अबायोटिक एजेंट जो है वो वाटर। जैसे आपका वेलिस है वेलिस्रिया जो है हाँ रात वाला तो नाइट वाला जो ये है आ, नाइट कर्फ्यू जो है वो हमारे यहां भी लग गया है आज से ही लागू हुआ है तो रात को नौ बजे के बाद मैं निकल नहीं सकता ठीक है ना नहीं नहीं एग्जाम क्यों कैंसल होगा यार एग्जाम क्यों कैंसिल होगा अब एग्जाम कैंसिल नहीं होगा ऑनलाइन मोड में हो जाएगा या पोस्टपोन्ड हो जाएगा कैंसिल तो होने से रहा पोस्टपोन्ड हो जाएगा प्रमोट किए जाए ओके ठीक है चलो देखते हैं ठीक है जैसा भी हो जाए देखते हैं यहां पर जो भी हो हम लोग पढ़ते रहेंगे बात खत्म ठीक है तो यहां पर देखो जैसे यहां पर है ठीक है ये वेलिस्टरिया का प्लांट है इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है कि देखो ग्रेन और मोस्ट ऑफ द वॉटर है म्यूसिलेजिनस कवरिंग उनके ऊपर जो है म्यूसिलेज होता है जिसके कारण वो ग्रेन जो है आ, गीले नहीं होते हैं वेटिंग से बच जाते हैं नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज हाइड्रोफिली क्योंकि कई जो है एनिमोफिलिक भी होते हैं द मोस्ट एक्वेटिक प्लांट वाटर हाईस इन वाटर लिली एक्सेट्रा द फ्लावर इमर्जेस अबो द लेवल ऑफ वाटर सो दैट एंटेमोफिली और एनिमोफिलिक तो कई बार जो है ये कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के लेवल के ऊपर आते हैं और एयर थ्रू उनका जो है पॉलिनेशन हो जाता है ठीक है। उसके बाद बायोटिक एजेंट एनिमल की बात करते हैं मैक्सिमम जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उनका पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है जैसे आपका बीज बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स वास्ट एंड मॉथ्स बर्ड सनबर्ड्स ह्यूमिड बर्ड बैट प्राइमेट आर्बोरियल रोडेंट्स रेप्टाइल्स दीज आल एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन

आपके कैसे होते हैं स्पेसिफिक एनिमल के थ्रू स्पेसिफिक इंसेक्ट के थ्रू ही वो होते हैं अब इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए कौन कौन से जो है वो होने चाहिए तो लार्ज कलरफुल और फ्रेगनेंट होने चाहिए क्योंकि बड़े रहेंगे रहेंगे कलरफुल रहेंगे तभी तो अट्रैक्ट करेंगे है ना? ये देखो तितली आई है क्यों क्योंकि बड़ा ही सुंदर सा फ्लावर है है ना बड़ा होना चाहिए ताकि जो है वो एनिमल के वेट को सहन कर सके प्रेग्नेंट होना चाहिए उसमें खुशबू होना चाहिए और एनिमल के लिए कुछ तो भी जो है उसके पास घुस होनी चाहिए क्या होनी चाहिए घुस होनी चाहिए घुस मतलब रिश्वत और वो रिश्वत क्या है नेक्टर क्योंकि नेक्टर के लालच में तो एनिमल जो है वो आएगा इंसेक्ट जो है वो गा. नेक्टर पॉलिनग्रेन आर द फ्लोरल रिवार्ड फॉर पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन के बदले में फ्लावर जो है वो क्या देता है नेक्टर देता है और ग्रेन देता है तो ये क्या हो गया फ्लोरल रिवार्ड हो गया स्मॉल फ्लावर्स फॉर्म इनफ्लोरस टू मेक देम विजिबल ठीक है अगर छोटे छोटे फ्लावर है तो वो आपस में जो है गुच्छों में रहेंगे ताकि वो दिखाई पड़ सके एनिमल को नहीं तो छोटे छोटे फ्लावर है वो दिखेंगे नहीं दिखेंगे ही नहीं तो एनिमल जो है इनसे तो जाएगा कैसे करेक्ट द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइस बीटल ऑर्डर टू अट्रैक्ट एनिमल तो कई सारे ऐसे एनिमल होते हैं जो गंदी स्मेल से बहुत ही गंदी स्मेल से आकर्षित हो जाते हैं है ना तो उनके लिए जो है फाउल ऑर्डर्स रिलीज करते हैं द ग्रेन आर जनरली स्टिकी पॉलिन ग्रेन जो है जनरली स्टिकी होते हैं आप भी किसी बार किसी टाइम जो है किसी फ्लावर को छू के देखना आपके हाथ में पीला पीला पोलिन ग्रेन जो है वो चिपक जाता है चिपचिपा सा होता है चिपकू टाइप का होता है है ना जैसे सुंदर लड़कियों के पास लड़के चिपकू जैसे हो जाते हैं ना तो सुंदर लड़कियां जो है आपसे बोल सकती है उन लड़कों को कि ये पोलन ग्रेन जैसा है मतलब ये चिपकू है करेक्ट बात समझ में आ रही है तो कौन कौन पॉलिंग है पोलेंग्रेन कौन कौन है लिखो मैं हूं कोई है ऐसा पॉलिंग्रेन है कोई अच्छा नेहा लड़का है कि लड़की है भाई मैं मजाक कर रहा था ओके मजाक कर रहा था मैं चलिए अब इसी में आगे बढ़ते हैं

That's that. अच्छा अनंत तिवारी है पोलिंग हाँ बिल्कुल जोया दोनों हो सकती है गर्ल्स भी हो सकते हैं बॉयज भी हो सकती है कोई भी पोलिंग्रेन हो सकता है तो अगर गर्ल्स रहेगी तो आप उसको क्या बोल देंगे पोलिंग पोलेंग्रेनी और लड़के रहेंगे तो उसको बोल देंगे पोलिंग चलिए, वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट स्टिग्मा इट रिजल्ट इन पॉलिनेशन बता दिया मैंने सिंपल सा कंसेप्ट है बहुत कुछ टिपिकल नहीं है एकदम ईजी सा है जैसे आपके आ, फेलस जो फ्लावर है। फेलस का फ्लावर जो है, है, का वो लंबा है मतलब मेरे हाइट जितना मुझसे भी थोड़ा सा बड़ा ही होगा है ना इतना बड़ा फ्लावर अगर है तो उसमें तो हम खुद जाके बैठ जाए एनिमल तो बहुत अच्छी आराम से बैठ जाएंगे करेक्ट तो कई बार जो है एनिमल्स जो है उसको अंडे देने के लिए जगह देते हैं तो ये हो गया फ्लोरल रिवार्ड तो ऐसा नहीं है कि सभी फ्लावर्स जो है नेक्टर और पोलिंग्रेन जो है वही रिवार्ड में देते हैं कुछ एमस एम, जो फ्लावर है वो अंडे देने के लिए जगह देता है ये भी एक टाइप का रिवार्ड करेक्ट अ मॉथ स्पेसिस एंड द प्लांट युक्का कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट इच अदर तो मॉथ युक्का और जो हमने पढ़ा था है ना मॉथ स्पेसिस और युक्का जो है ये युक्का प्लांट ये एक दूसरे के बिना लाइफ साइकिल उनके उनका जो पॉलिनेशन है और उसका जो एक लेइंग है वो यहीं पर पॉसिबल है ठीक है अब मेनी इंसेट कंज्यूम पॉलेंड नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन दे आर कॉल्ड एज द पॉलेंड और नेक्टर रॉबर कुछ जो है चोर होते हैं चोर होते हैं कैसे होते हैं चोर होते हैं जो चले भी जाते हैं नेक्टर भी खा लेते हैं है ना पोलेन भी खा लेते हैं क्योंकि पोलन काफी न्यूट्रिशनल रहता है और वो खाबा भी लेते हैं और पोलिनेशन भी नहीं करते तो ऐसे जो एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं पोलन रॉबर बोलते हैं या तो उनको क्या बोलते हैं नेक्टर रॉबर बोलते हैं पोलन रॉबर बोलते हैं या क्या बोलते हैं नेक्टर रॉबर बोलते हैं ठीक है समझ में आया होगा तो कम कमेट कमेंट में लिखो चोर कमेंट में लिखो चोर कमेंट में लिखो चोर क्योंकि ये क्या है रॉबर है क्योंकि ये क्या है रॉबर है चोर मचाए शोर समझ गए और ये जो है नून है ये भी एक पॉलिनेटिंग एजेंसी है जो आपको उठाकर जो है बहुत अच्छे रिजल्ट की जगह पर आप लोगों को प्लेस करने वाले हैं है ना और इस बार के नीट के एग्जाम में नून के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100 परसेंट एक क्वेश्चन आएगा नून के ऊपर लिख के ले लो मुझसे क्या क्वेश्चन आएगा क्या क्वेश्चन आएगा कि आप लोगों ने नून के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया जो यस बोलेगा उसको नंबर मिलेंगे जो नो बोलेगा उसको नहीं मिलेंगे आप लोगों ने किया चलो जिस जिसने किया है उसको उसको पूरे नंबर गुड थैंक यू रैंसी अब ये देखिए आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ठीक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस इसमें आप देखेंगे तो जैसे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कैन अंडर गो सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है ये देखो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर जेनेटिकली सिमिलर ही ऑफस्प्रिंग अगर बनते रहे तो एक समय ऐसा आता है कि उनमें जो है कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं बचती है मतलब वो क्या हो जाते हो जाते जाते हैं हैं। डिप्रेशन का शिकार मतलब ऐसे डिवाइसेस जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं उनको अपन बोलते हैं ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या बोलते हैं ब्रीडिंग डिवाइसेस करेक्ट सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि एंथर और स्टिग्मा को एक ही टाइम पे मैच्योर मत होने दो हियर द इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलेन दोनों में से एक को जो है दोनों में से एक को मैच्योरिटी के पहले हटा दो अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजिशन करेक्ट इसको अपन क्या बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इट इज द जेनेटिक मैके सेम फ्लावर टू द फ्लावर ऑफ सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन बाइ इनिबिटिंग सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी बोल देंगे करेक्ट प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अब यूनिसेक् फ्लावर ही रहेगा कि उसमें या तो मेल रिपोर्टक्टिव ऑर्गन है या तो फीमेल रिपोर्टिव ऑर्गन है तो उसको जो है अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ जो है क्रॉस पॉलिनेशन पर ही डिपेंड करना क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है बायसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है करेक्ट तो आपने अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया तो वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा ओके बात समझ में आ गई क्लियर चलिए अब ब्रेकआउट ले ले ब्रेकआउट यूट्यूब पर मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या ओके okay, तो आज के ब्रेकआउट के बाद आज के ब्रेकआउट के बाद टॉप पर है नैन्सी 4500 पॉइंट के साथ और इनके साथ है शहजेब सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे है दिव्या अनिल पाटिल लिपिका मुखर्जी और भूषण सर ओ माय गॉड भूषण सर का नाम डूब गया खुद ही पढ़ाते हैं और खुद ही थर्ड रैंक पे आते हैं चलिए तो आज की क्लास यहाँ फिनिश करते हैं फिर मिलेंगे कल इस, इसी टाइम पे और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज इस लिंक को भूषण सर वाली लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा बाय हैव अ नाइस डे थैंक यू